दोस्तों ये धुआं देख रहे हैं आप, कन्नौज की गलियों से हम गुजर रहे हैं, ये धुआं जो आप देख रहे हैं ये सब डिस्टिलेशन हो रहा है। ये आप देखिए जो नालियां हैं उसमें भी ये जो भी पानी निकल रहा है ये सब डिस्टिलेशन का पानी है। तो यहाँ के तो नालों में भी खुशबू शमामा की आ रही है, बगल से गुजरा तो गुलहिना की खुशबू आई। तो कोई गलत नहीं कहता, अगर कोई कहता है कि कन्नौज में घुसो तो खुशबू जो है आपको नाक में लगेगी डेफिनेटली 100%। इससे पुराना कोई शहर नहीं है खुशबू का। फिर निकल पड़े हैं दो दोस्त कन्नौज के इतिहास के पन्ने पलटने। कन्नौज नवाबों के शहर लखनऊ से कुछ दूर बसा हुआ एक छोटा सा टाउन, जिसे लोग प्यार से इत्र नगरी भी बुलाते हैं। मज़े की बात तो यह है दोस्तों कि कन्नौज की खुशबू ही आपको उसका रास्ता बता देगी। तो दोस्तों आपको जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कन्नौज शहर लेकर जाऊंगा, दिखाऊंगा आपको कि हमारा जो परफ्यूम कल्चर है, जो हेरिटेज है, जो इत्र या अतर की जो इंडस्ट्री है वो किस तरीके से काम करती है, आप तक सेंट्स कितनी मेहनत के बाद पहुंचते हैं, और मैं क्यों इस तरीके के वीडियोस बनाता हूं, लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करता हूं। आज की वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, हम अपनी जर्नी पर निकल चुके हैं, थोड़ी देर में हम कन्नौज पहुंचेंगे। और मेरे साथ आज मौजूद हैं जाकिर भाई, इनसे आप पहले भी मिल चुके हैं, आप इनको जानते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार अफेयर है, देखते हैं दोस्तों आगे क्या क्या होता है आज के सफर में। एक छोटा सा शहर जिसने पूरी दुनिया को खुशबुओं का अदब सिखाया, आज अपने ही देश में केवल एक नाम बनकर रह गया है। आज के एपिसोड में हम आपको ऐसी जगह लेकर जा रहे हैं जहां अतर शमामा नाम का इत्र पहली बार बनाया गया था। शमामा एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय परफ्यूम है जो अतर से लेकर फ्रेंच परफ्यूम्स के बेस में इस्तेमाल होता है। एक्चुअली हम आपको बताना चाहते हैं जिस पर में आप खड़े हैं जी, एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब जी मलिक साहब, इसके मलिक साहब जी अब्दुल मिस्टर अब्दुल मलिक जी 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 लेजेंड हैं, लेजेंड हैं। ओरिजिनल एस याकूब एंड मोहम्मद अयूब जी फ्रॉम कन्नौज जी, यस एंड दे हैव बीन ऑपरेटिंग सिंस 1896 हां 1869 100 ईयर्स जी हो गए हैं आप लोगों से, ज़्यादा हो गया। उस टाइम से हम लोग इस प्रोडक्ट को जी बना रहे हैं जी, और मार्केट में एक्सपोर्ट जी क्वालिटी और फॉरेन में हम लोगों का जी बहुत अच्छा रनिंग बिजनेस है। बहुत बढ़िया। तो सर क्या क्या मटेरियल आपके ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और उसमें क्या क्या अलग अलग ग्रेड हैं? एक्चुअली शमामा जो है जी वो फूड प्रोडक्ट है जी, कॉस्मेटिक्स में आता है ये। अच्छा, इसको लोग पान मसाले टोबैको में भी यूज़ करते हैं। बिल्कुल। और जो फॉरेन कंट्रीज में माल जा रहा है जी उसमें वो अपने हमारे शमामे को डेवलप करके बिल्कुल, बिल्कुल इसको एक नया परफ्यूम बस बना। ये भी मैंने अपनी वीडियो में बार बार अपने व्यूअर्स को बताया है सर कि जो हमारे जो भी ये शमामा इसको एक परफ्यूम बेस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, इसको एक नया रूप दे देते हैं केमिकली मॉडिफाई करके उसको अपने हिसाब से ढाल के अपने परफ्यूम में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक्चुअली बेस्ड हमारा ही है, बेस वही है, एक्चुअली बेस्ड हमारा है। आप वो अपने कंपाउंड बनाते हैं जी, क्या जी, करते हैं ये ज्यादातर आपके अरेबिक परफ्यूमरी हम लोग गल्फ कंट्रीज जी, में जी लार्ज स्केल में एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि वहाँ ऊद इत्र लगाने का कल्चर है, लोग पसंद करते हैं जी जी। तो ये शमामा जो है सर, पहले लोग को हम बता दें आपके मुंह से क्योंकि आप शमामा के पायनियर हैं, कि शमामा सर है क्या? अतर शमामा नेचुरल प्रोडक्ट जी एंड हर्ब्स और स्पाइसेस जी, एनी स्पाइसेस जो हार्मफुल नहीं है जी, इससे स्किन डिजीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है जी, वो चीज़ है। और इसको एक्चुअली अगर फीलिंग्स इसकी ले लो जी तो सर इतना ये हार्ड होता है, मतलब
मतलब मेडिसिनल इफेक्ट भी है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट की तरह भी काम करता है। शमामा संदल लगाइए तो सर्दियों हमारे अब बाप दादाओं के जमाने में गर्मियों में खस लगाया करते थे और सर्दियों में उसकी वजह जी जी उसकी वजह ये है कि जो भी हर्ब्स इसमें पड़ रहे हैं जी वो आर लेडी वेरी जाफरान हो गया, जाफरान है जी, बड़ी इलायची हो गई है, छरीला है, लौंग है, इलायची है जी, बड़ी इलायची है, ऊद भी देते हैं, लोबान है जी, ये तमाम चीजें हैं जो इसमें मिक्स। बिल्कुल। और सर जो नखला की बात होती है जी, नखला जो बात होता है इंग्लिश में उसे ऑनिका शेल्स बोलते हैं, ये समझ लीजिए कि एनिमलिक प्रोडक्ट है, शेल होता है तो वो नखला उसे बोलते हैं शिपली। और ये एक बात होती है कि सर नखला बहुत शमामा में इस्तेमाल करते हैं, बहुत लोग शमामा में इस्तेमाल नहीं करते, हर घराने का एक अलग फॉर्मूला है। देखिए शमामा तो कन्नौज में आप जनरली लोग बना रहे हैं, हाँ मतलब सब लोग बनाते हैं जी, लेकिन इसका जो मेन प्रोसेस जो गिफ्ट गॉड जी हम लोगों को मिला है, क्या बात कुछ है? लोग ऐसे हैं जी जिनके पास है जी, लेकिन वो अभी प्यार मोहब्बत नहीं बना। देखिए कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो मार्केट में उसका डुप्लीकेट या उससे कंपेयर करते हुए तमाम चीज़ें निकलती हैं, लेकिन कौन सी क्वालिटी कौन बना रहा है उस क्वालिटी को पाना बहुत मुश्किल है। तो सर मेथड ऑफ प्रोसेस हर शख्स का अलग 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 है और अपनी पसंद भी, हर कंपाउंडिंग स्पाइसेस की अलग है, मेजरमेंट अलग है। हम एक प्रोसेस को 6 महीने में कंप्लीट करते हैं जी, और वही लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं जी, ये लेकिन हम अपनी क्वालिटी को इतना मेंटेन करते हैं कि आज तक वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हुआ, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है इसमें नहीं। और ये बहुत ही मुश्किल चीज है क्योंकि सर ये नेचुरल प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्शन आपको कितने हर्ब मिलते हैं उस साल नहीं मिलते हैं, कितना प्रोडक्शन आप बना पाते हैं। खास बात ये है कि जो कि मरहूम मलिक साहब नहीं है उनके बेटे मिस्टर फौजान मलिक ने भी इसी क्वालिटी स्टैंडर्ड को बरकरार रखा, बहुत बड़ी बात है। तो यही मैं बता रहा था दोस्तों कि ये जो बात है ये आपको हर जगह नहीं मिलेगी, ये एक जज्बा है, जुनून है कि इस तरीके का काम कोई इतने सालों से कर रहा है और उस काम से इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि मतलब खून में भी समझ लीजिए कि वो अतर दौड़ रहा है, तो उसको आप नहीं बदल सकते हैं, आप उसको नहीं बदल सकते हैं। ये एक खानदानी रिवाज है, जैसे गाने का रिवाज चल रहा है वैसे आर्ट्स का रिवाज चल रहा है, वैसे ये दौड़ रहा है। और अगर इसका क्रेडिट कोई और लेता है या फिर आप इसको नहीं समझते हैं, इसकी अहमियत को नहीं समझते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं और अपने देश के आर्टिस्ट को अगर छोटा समझते हैं तो प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिए। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पर आइए, देखिए इस माहौल को एक बार फील कीजिए, चारों तरफ एक बार नज़र घुमाकर देखिए, अगर आपको थोड़ा भी बनावटीपन लगे या कुछ ऐसा लगे कि नहीं इन्हें करने की जरूरत है, इन्हें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नहीं है, नहीं तेल है। खुद ब खुद बोलता है, बेशक बेशक। और जब तेल बोलेगा तो इंसान को अपनी जबान खोलने की जरूरत, 100 साल से इनको कारोबार में और 100 साल बहुत बड़ा बरकत, हाँ बरकत ही हुआ है, इनको हमारे वीडियो की कोई जरूरत नहीं है, ये हम अच्छा काम हो रहा है वो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, यही मकसद है, लोग जाने कि शमामा क्या है और कहाँ से शमामा का बुनियाद आया है। बिल्कुल, क्योंकि आप लोग बार बार शमामा के बारे में पूछते हैं और मुझे पता है कि शमामा के बारे में बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं, इसलिए आज हम उस घर पे आए हैं जहाँ पर शमामा का जन्म हुआ था, जी शमामा पहली बार बनना शुरू हुआ था, ये बहुत बड़ी बात है। बेशक। तो सर थोड़ा सा हम लोग को अब अगर हो सके तो एक बार समझा दीजिए कि किस तरीके से ये, देखिए ये एक कन्नौज जो है ना एक स्मॉल स्केल हैंड प्रोसेस, वाओ, नो पावर यूज़, नहीं, बिल्कुल, यही खूबसूरत चीज़ है, सिंपल प्रोसेस है, ये हमारी डेग है, जी, और नीचे जो पॉट लगा हुआ है ये, जी, ये एक मेन पॉट, ये मेन पॉट है, वो भपका हो गया, ये डेग है, ये भपका है, जी, और ये नेचा है, जी, स्टिलाइजेशन के जरिए जो भी इसमें तेल और पानी है रहता है इसका, ये किसका बना हुआ रहता है, ये बांस का है, बैम्बू बैम्बू, बिल्कुल, और इसके थ्रू
इतना सील पैक करके कि ये सील होता है। सील जो किया हुआ ये किसका है? ये मट्टी जी, कहीं कहीं पे मैंने सुना मुल्तानी मिट्टी भी नहीं, ये मट्टी है। अच्छा। लेकिन इस मट्टी को हम बड़े उसके साथ तैयार करते हैं, इसमें अच्छा। रुई भी मिली हुई है। अच्छा, इसमें रुई भी है? जी हाँ। अरे वाह, एयर एस्केप नहीं करे। जो यूजलेस टाट होता है जी जी जी, उसके जो रेशे होते हैं वो इसमें मिक्स कर। अरे बाप रे, अरे बाप रे, वो हम आपको दिखाएंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये मेन हमारा जब इसमें प्रोसेस कंप्लीट होता है तो इसमें टाइम लगता है। तो ये हाइड्रो डिस्टिलेशन है सर, हम देख रहे हैं। दिस इज 5000 इयर्स ओल्ड ट्रेडिशन। और सर, ये यूजुअली एक डेग कितना साइज का, कितना आउटपुट होगा इसका? ये इतने बड़े डेग से एक बार में कितना तेल निकल जाता होगा? देखिए, ये डिपेंड करता है हमारी जो स्पाइसेस है जी। कभी डिस्टिलेशन हमारा जो है 10-20 किलो भी हो जाता है जी, 5 किलो भी रह जाता है जी। ये स्पाइसेस पे है जी, तो इसको हम जो है ना, लेकिन अपना प्रोसेस हम कंटिन्यू जो मेजरमेंट का है वो टाइम पीरियड उतना ही लेते हैं। अच्छा, मतलब कम हो ज्यादा हो समय उतना ही लगेगा। इसको चेंज करते रहते हैं जी, इसकी जगह शाम को दूसरा लग जाएगा मक्का जी, और ये ठंडे पानी में जी जी, तो फिर पानी बदलते जाएंगे जैसे जैसे पानी, जो भी हीटअप होता है पानी जी, उसको चेंज कर निकालते जाए। बहुत कुछ, जब ये कंप्लीट हो जाता है जी, तो फाइनल इसका टच जो है जी, वो हम अपने कंपाउंड से अच्छा, अपने जो एक अच्छे जी रॉ मटेरियल्स हैं जी जी जी, जैसे कि जाफरान है और चीजें हैं जी जी जी, मतलब टचअप करने की भी कभी कभी जरूरत पड़ती है वो, मतलब एकदम प्रॉपर डिस्टिलेशन होगा इसका, इसका पानी छटेगा जी जी जी, इसको रखा जाएगा जी, उसके बाद इसको फिल्टर किया जाएगा जी। फिल्टर करने के बाद मेन पार्ट हमारा जो है ये पतीला, पतीले अच्छा हाँ, ये फिर से उसको आप करेंगे जब इससे निकल के ये जी, ये कच्चा माल है, ये कच्चा माल है जो इधर बड़े डेग में जी, जी फाइनल टच ये वाला। ये सर कभी हम लोग नहीं दिखा पाए थे, मैंने भी कभी नहीं देखा है, तो इसमें फाइनली जो मटेरियल तैयार हो रहा है। हाँ, जो फाइनल मटेरियल होता है जी, इसको हम जो है जी बिल्कुल स्लो एकदम धीमी आंच पे रिएक्शन पे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो सर, इसका टेम्परेचर कंट्रोल मतलब कैसे रहता है, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से है? एक्चुअली क्या है कि हम लोगों का ये पानी देखिए कितना, ये देखिए, अरे वाह, ये देखिए कितना बढ़िया सिस्टम है दोस्तों, ये खूबसूरती देखिए, टाइट है ये, बिल्कुल एयर टाइट है, कहीं से भी एयर एस्केप नहीं करेगा, इसको चेंज करते रहता है। अरे और पानी तो इसके ऊपर हमको यहाँ पे बाहर टेम्परेचर डायल से अंदर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल मैनुअल है, एनालॉग सिस्टम जिसे बोलते हैं वो है, और ये पूरा मैन पावर बेस्ड है, इसमें no पूरी मेहनत लगती है, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी गेज, नो नथिंग, सो नो, और ये तजुर्बे का काम है, एक्सपीरियंस का काम है जी। माय टेक्नोलॉजी प्रोसेस है। हाँ, बहुत एफिशिएंट, बहुत बिल्कुल बिल्कुल खूबी वाला काम देगा, बिल्कुल जी। असल में ये मिट्टी है जी, इसको इसको हम लोग अच्छा, ये जो नीचे रखे हुए हैं ये जी 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 जी, लेट मी थ्रो लाइट, नहीं हो गया वो, बहुत बढ़िया कैप्चर हो रहा है वो, इसमें लाइट और जरूरत है नहीं, वो फिर कलर टेक्सचर खराब हो जाएगा, पूरा लो लाइट पकड़ेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। सर, एक बार अपना आप इंट्रोडक्शन दे दें, लोगों को पता चल जाए आपका नाम। मैं इस फर्म का एक्सपोर्ट मैनेजर नूर आलम जी, और काफ़ी दिनों से इस फर्म में जुड़ा हुआ, काफ़ी दिनों से, अब यानी कि 30-40 साल। अरे 30-40 साल से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये हमारे साहब की मेहरबानी है कि जो यहाँ के एम्प्लॉइज को वो इतना प्यार और मोहब्बत और घर की तरह रखे हुए। अरे वाह, ये बहुत बड़ी बात है, यही तो प्यार है जी, बहुत बढ़िया। हम जहां से भी गुजर रहे हैं वहां सर खुशबू जो है शमामा ही शमामा है। ये ऐसा पतीला अभी आजकल मिलना बंद हो गया है, बस जलता है ये,
क्या मटेरियल है सर? तांबा ही है ना जी। बहुत बढ़िया, दिखा दिया आपने। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर। और ये फैक्ट्री और दिखाएं आप? हाँ सर, देख लेते तो। वन मोर, आपकी जैसी मर्जी सर। अंदर तो देख लीजिए। बिल्कुल सर, ये कुप्पियाँ हैं, देखिए कितनी बड़ी कुप्पी इधर रखी हुई है। सर ये कुप्पियों के बारे में लोगों को पता नहीं है। पता नहीं जी। तो इसका जी सर, तो ये कैमल लेदर एक जमाने में यूज होता था, तो इसकी सर क्या खूबी क्या है सर? ये है जी, इसमें जितने साल पड़ा रहे माल, कभी अच्छा, खराब नहीं, कभी खराब नहीं, और अच्छा ही होता जाएगा। अच्छा ही होता। और एल्युमिनियम में एज इट इज रहेगा जी, अगर पानी है तो पानी लगा रहेगा जी, तो कभी साफ नहीं होगा। साफ नहीं होगा ये पानी, सालों पानी उसमें रहेगा। अच्छा, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसमें से निकलता रहेगा। और उसमें समझ लीजिए, और माल कभी कभी जैसे खस है जी जी जी, और इस एल्युमिनियम कुप्पी में जी देखिए, इस एल्युमिनियम कुप्पी में अगर खस एक साल रख दें तो ग्रीन से ब्लैक हो जाती है। अच्छा, ये एल्युमिनियम अपना वो रिएक्ट करता है उसके साथ, मटेरियल के साथ। इसमें लाइक शायद खस पड़ा होगा। ये खस है जी, दिस इज खस। अरे वाह, रो खस जी। तो आज भी सर आप कुप्पी ही इस्तेमाल करते हैं, वही प्रेफर करते हैं? जो मेन है जैसे खस है जी, खस के लिए तो हम यही इस्तेमाल करते हैं। इसमें रखा है एक साल, रखा कोई बात नहीं, खस को एक साल इसमें रख देंगे काला पड़ जाएगा, खराब भी हो जाएगा जी। अच्छा, शमामा है ना, इसमें रख दीजिए जी जी जी। दुकानों में है कि जैसा इन्होंने बताया, ये चमड़े में रहने से एज इट इज प्रिजर्व भी होता है, पानी सींच लेता है ठीक है, और तेल की शाइन भी खूबसूरत हो जाती है। बहुत शाइन हो जाती है। अच्छा, तेल की हाँ शाइन भी आती है, तेल खूबसूरत हो जाता है, जो हमको इसमें कंटर में नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर, ये ठोस काम है, दिस इज विल कैरी मोर, पर ये पूरा काम ट्रेडिशनल इज वेरी एक्यूरेट। अभी देखिए बड़ी बड़ी, अरे ये साइज देखिए, क्या बात, अरे वाह। ये सर ऊपर से ढक्कन लकड़ी के लगे हैं जी जी। अच्छा, अरे वाह, लकड़ी से ठोक के सील करके रखे। और ये देखिए भाई, तांबे के बर्तन बड़े बड़े, सब ये तांबा है जी जी। तो इसका इसका सर क्या मतलब, क्या इसकी कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज करते हैं इसको? ये इसमें माल रखते हैं? इसमें माल जो बन रहा है जी, उस माल को इसमें डाल दिया, मतलब सारे डेगों के माल एक में भर जाते हैं, इकट्ठा कर दिया जी जी जी, एक दिन कर दिया जी जी जी। उसमें जो भी है बिल्कुल सब इसमें फिल्टर हो गया सब। फिर खुशबू लेके उसको ये करते हैं? हाँ, खुशबू लेकर जो है, खुशबू देख लिया, खुशबू माल सही है नहीं, हाँ, बाद में उसके बाद कुप्पियों में भरते हैं, फिर जहाँ जिसका सप्लाई जी जी वहाँ चला जाता है। बहुत बढ़िया। वही पुरानी अनछुई सी गलियां, वही पुराने घर, घरों पर लगे पुराने दरवाजे, और हवा को छेड़ती हुई इत्र की प्यारी खुशबू। यहाँ तक कि कन्नौज के नाले भी इत्र के पानी से नहा रहे थे, और ये नज़ारा देखकर इतना समझ आ गया कि कन्नौज बदलते ज़माने के साथ क्यों नहीं बदला। आप इनकी जो मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जी जी, उस पे जा रहे हैं। अच्छा, तो सर पुरानी बिल्डिंग जो 150 साल पुरानी है, वो तो वो यही थी जहाँ पर काम शुरू हुआ? अब पहले हम लोगों का आपसे कोई बात, जो प्रोसेस का जी आप प्रोमिसेस देख के आ रहे हैं जी, वो बहुत छोटा पड़ गया। हाँ। तो फौजान भाई से मिलकर हम उनकी फैक्ट्री की तरफ निकल गए। जो आपने पहले देखा वो उनका पुराना ट्रेडिशनल यूनिट है, जो पता नहीं कितने सालों से है वहाँ पर, सैकड़ों सालों से है। ये उनका मेन प्रोडक्शन यूनिट है, जहाँ पर मास मार्केट की नीड्स को, सप्लाई को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर डेगें चलाई जाती हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत सिस्टम है, आप देखेंगे आपको हैरानियत होगी कि इतना बड़ा मास प्रोडक्शन सिस्टम भी जो है एनालॉग सिस्टम से चलता है। और यहाँ पर कर्मचारियों से बात करने के बाद हमें समझ में आ गया कि लोग बदलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये अब उनकी ज़िंदगी का एक पार्ट बन गया है, एक अटूट अंग हो गया है। आप लोगों को भी देखकर हैरानियत होगी कि इतनी छोटी इंडस्ट्री, जिसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती,
वो किस लेवल का काम कर रही हैं? जी गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं नहीं दी बिल्कुल। मैं भी यही चाहता हूँ सर कि लोग जो देख रहे हैं वो इसकी अहमियत समझें, इम्पोर्टेंस समझें। हमारे हमारे देश का कह सकते हैं हमारी पहचान है ये, इन खुशबुओं में हमारी पहचान है, हमारा जो कल्चर है वो है ये, और क्या। अगर इसको हम जिंदा नहीं रखेंगे तो फिर हमारा कहते हैं ना एग्जिस्टेंस ख़राब हो जाएगा, हमारा जो वजूद है वो ख़त्म हो जाएगा। सही बात। और दूसरों को फॉलो करते हैं हम, ये तो असलियत है ना, इससे दूर तो नहीं भाग सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल रह लेंगे। जी जी जी, काम करने वाले सब पुराने लोग जुड़े हुए, खुशबुओं से जुड़े हुए। जी जी, हवा में खुशबू एकदम। ये रिफ्यूजी है, इसकी निकली हुई। जी जी जी, जो मसाला हम लोग डालते हैं जी, शमामा का मसाला है। डेस्टिलेशन जी, जो बच जाता है जो बच उसका निकालते हैं। इसको करते क्या हैं फिर? इसको ये अगरबत्ती वगैरह हवन सामग्री, हाँ हाँ, उसमें इस्तेमाल हो जाता है, इसमें आती है, सुखाने के बाद में। जी जी जी, बहुत बढ़िया जी। आपका क्या नाम हुआ सर? राजू, रियाज खान। रियाज, ये हमारे मैनेजर साहब के साहबजादे। अच्छा, जुड़े हुए सब, जुड़े हुए परिवार की तरह। जो मेन है खाना पूरा हम ही देख रहे हैं, परिवार के जैसे जुड़े हुए हैं सब लोग। बहुत बहुत बढ़िया, ये हम ही देख रहे हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया। अरे अब बताइए, कमाल। ये इसमें डाल के इसमें निकालते हैं। जी जी, वो तो हमने सब देख लिया, लेकिन इतने बड़े स्केल पर तो कमाल है। और आगे से भी है जी। टीवी पर दिखाएंगे आपको। बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे भैया, सब देखेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। तो पूरा हिंदुस्तान आपको देखेगा, आपके अपने लोग जानेंगे कि यहाँ क्या काम होता है। जी जी जी, जिनको पहचान नहीं है, जिनको समझ नहीं है, ये वह उन तक पहुँचाना है। बस हम बिजनेस नहीं करते, हम अतर का काम भी नहीं करते। मैं डॉक्टर हूँ और ये मेरा शौक है। तो कन्नौज में आने का पहली बार हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो समझिए हमारे लिए तो बस बस यही दिखाना था लोगों को। इसीलिए मलिक साहब का नाम सुन के उन लोग पूरी दुनिया घूम के आए हैं आपके पास और दिखाना कि क्या। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप समझ सकते हैं कि मलिक साहब ने जो लेगेसी छोड़ी और जिस तरीके का प्यार है लोगों के बीच में, यही तो मायने रखता है, बाकी कुछ मायने नहीं रखता जीवन में। पैसा बहुत लोगों के पास है, लेकिन खुशबुओं का जो कारोबार है बहुत पुराना है, हमारी सभ्यता है, इसको कभी भूलिए मत। बहुत प्यार से और बहुत मेहनत से ये लोग इस गर्मी में, इस भट्टी में अगर कोई एसी से 5 मिनट से निकल के भी आ जाए, खड़ा हो जाए, तो बर्दाश्त नहीं होगा उससे। और ये लोग सुबह से रात तक इसमें लगे रहते हैं, तो इसकी अहमियत समझें और कभी मौका मिले तो मेरी तरह एक बार जरूर इनसे मिलने आए। बहुत बढ़िया। ये जो हमने आपको बताया था जी, अब ये फिल्टर जी चेंज, अब पानी बदल रहे हैं, पानी बदल देंगे। और ये भपका ये लगा हुआ है जी जी, इसको भी चेंज कर देंगे, दूसरा लगाएंगे, दूसरा भपका लगा देंगे। मतलब ये काम हो गया है, अभी जो बनना था वो बन गया है। किसी में खुशबू जो है बताते रहते जी जी जी, मतलब भपके में तेल आ गया होगा जो बन गया था, फिर मटेरियल डालेंगे और बनता रहेगा, कलेक्ट होता रहेगा। समझ गया सर, तो मतलब वो भपका बदल गए, उधर डालेंगे नया भपका लगाएंगे, फिर मटेरियल शुरू। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। ये जो है खुशबू होती है, छरीरा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? छरीरा। छरीरा जी, ये पहाड़ों पे होता है। अच्छा अच्छा जी जी, ये पेड़ के ऊपर जो जमता है, काई, काई होती है। हाँ वही काई जो पेड़ों के ऊपर जमती है, वही है जमीन में। हाँ, उससे जमीन से पहाड़ों पे जमती है, उसको खुरच के जो है ये निकालते हैं। अरे बहुत खूब। इसमें ये बेस है शमामा का। जी जी, एक तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं फौजान सर से। फौजान साहब से ये अभी पूरा कारोबार संभालते हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं। और आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और जाकिर भाई को इनसे मिलके। आज तक नाम सुनते थे कि मार्केट में
मलिक साहब का शमामा, इनके कॉम्पिटिटर्स भी बोलते हैं कि वैसा शमामा हम नहीं बना सकते, ऐसी रेप्यूटेशन, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में। तो फरहान सर, आज की यूथ, पर्सनल सवाल है, आज की यूथ जैसे मैं हूँ, मुझे अतर लगाना बहुत पसंद है, और सर मैं दुनिया भर के परफ्यूम्स हैं सब कुछ लगाता हूँ, लेकिन अपनी अतर का जो जो जादू है कह सकते हैं, वो सर कोई कोई मैच नहीं है उसका, तो लोगों तक वो बात पहुँचाने, तो आपको सर कैसा लगता है, आपकी क्या फीलिंग्स है इसके बारे में? जी देखिए, इंडियन अतर जितने हम लोग बनाते हैं नॉन अल्कोहलिक होते हैं, इसमें सैंड या कोई अल्कोहल कोई जरूरत नहीं होता जी, ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, और स्किन पे लगाइए कभी स्किन नहीं खराब होगी, और स्प्रे कभी आप छिड़किए तो दो तीन दिन बाद उसमें दाने पड़ने लगेंगे, और अतर से कभी दाने नहीं पड़ेंगे। अच्छा, कपड़ों में रुकता है दो दो दिन, तीन तीन दिन, पर लोगों पास आजकल टाइम है नहीं, इसलिए उन्होंने बॉटल खोला छिड़का चले गए चले गए, लेकिन अतर से अच्छा आज भी कुछ नहीं है, इसका समझ लीजिए कोई है नहीं, अल्टरनेटिव नहीं, और ड्यूरेबल होता है और खुशबू इसकी लॉन्ग लास्टिंग होती है। हम लोग जो अतर शमामा इना बनाते हैं चौड़ा गुलाब, इसमें सब तीन तीन दिन चार चार दिन रुकता है कपड़े पे, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पहले भी बनता था आज भी वैसे बनता है, बात यही है कोई चेंजिंग नहीं आई है, 100 साल से क्वालिटी पे ही ध्यान दिया, अगर क्वालिटी अच्छी रहती तो बहुत अच्छा होता है, और चार चार दिन कपड़ों पर रुकता है, बॉडी पे लगाइए सुबह लगाइए शाम तक रहता है, अगर उस पर साबुन ना लगे तो खूब रुकता है। तो सर अभी क्योंकि लोगों को ये नहीं समझ में आता, मुझसे बहुत लोग जुड़ गए हैं सर हमारे चैनल से, पूछते हैं कि सर आप बार बार नेचुरल अतर के बारे में बोलते हैं, नेचुरल अतर के बारे में बोलते हैं, लेकिन शमामा तो सर मार्केट में 150 रुपये का भी मिल रहा है, 50 रुपये का भी मिल रहा है, तो उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को? मतलब मैं भी मोटिवेट करता हूँ काफ़ी लोग, मतलब मेरा मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कम से कम 50% लोग तो अब नेचुरल अतर के अलावा कुछ नहीं लगाना चाहते, तो उनको किस तरीके से समझाया जाए कि ये जो नेचुरल अतर पे काम हो रहा है, जो बहुत अलग लेवल पे काम हो रहा है, इसकी प्राइसिंग जो है उसको 150 रुपये 200 रुपये में नहीं बेचा जा सकता? जी जी, असल में इंडियन अतर थोड़े इससे सेंट से और एस्प्रे से थोड़ा कॉस्टली होते हैं, उसकी वजह ये है एस्प्रे वाला सिर्फ अल्कोहल 75% डालिए और 25% कोई खुशबू डाल दीजिए बन जाता है जी, तो वो तो 100-150 रुपये में पूरी बॉटल बन जाती है जी, और अतर उतने में 10 ग्राम में बनता है, ये बहुत बड़ा फर्क है बिल्कुल। तो क्वालिटी जब बनाइएगा जब ही बनेगी, और वही जलती है जो क्वालिटी होती है, वही बॉडी पे रुकती है, कपड़ों पे रुकती है जी, ये परफ्यूम जितने स्प्रे जितने सब वक्ती होते हैं, 1 घंटे तक रुके फिर गायब हो गए, धूप में जैसे ही निकले गायब हो गए, बस ये बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि सर मैं ये सबको समझाता हूँ कि फ्रेंच परफ्यूमरी फेमस है, वैसे अपनी इंडियन परफ्यूमरी है, तो फ्रेंच परफ्यूमरी जो है वो फ्रेंच एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट जो उनका मौसम है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्लाइमेट बिल्कुल अलग है, यहाँ जो गर्मी है धूप में तप रहे हैं लोग 40 डिग्री में, वहां पर कैसे चलेगा वो? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि अल्कोहल बेस्ड है वो, तो तुरंत चमड़े से बिल्कुल उड़ जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है ये लोगों को समझना होगा कि अपने रीजन के हिसाब से भी, जैसे खाना हम इस अभी के हिसाब से खाएंगे, गर्मी के हिसाब से गर्मी खीरे खाएंगे ये सब खाएंगे, वैसे सर्दी में तो वो चीज़ खुशबू में। तो सर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सर शमामा के बारे में हमें कुछ बताएं कि कितने टाइप के शमामा हैं और कैसे कैसे, मतलब हल्का सा अगर पता चल जाए तो 20-25 किस्म के हैं जी, तो क्वालिटी बेसिस पे हैं जी, जैसे हम लोगों का मोहसिन शमामा है, मलिक शमामा है, सुपर मलिक शमामा है जी, और नौसार शमामा है जी, ये वर्ल्ड फेमस है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इनका कोई सानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और हम लोग क्वालिटी पे ध्यान रखते हैं जी, और हम क्वालिटी मेन है हम लोगों के लिए और कुछ नहीं है जी सर, जैसा कस्टमर आज मांग रहा था जी सर, हमेशा से वही देंगे जो हम लोग बेच चुके हैं जी सर, इसी का ध्यान रखते हैं। ऐसे शमामे तो हम लोग 25-50 किस्म के बनाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर मेन यही है। और सबसे मशहूर सर इसमें कोई शमामा जो दुनिया भर में लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? मोहसिन शमामा है, मोहसिन शमामा, फिर मलिक शमामा है जी जी जी, ये है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज के एपिसोड में आपको मजा आया हो, अगले एपिसोड में हम इसी तरीके की एक और फैमिली से मिलेंगे कन्नौज में, और भी बातें होंगी,
कन्नौज की परफ्यूम इंडस्ट्री के बारे में। तो देखते रहिए अपना परफ्यूम चैनल परफ्यूम गुरु, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। अच्छा, बॉम्बे ऑफिस में आपको सात भाई मिलेंगे स्टोर में रिप्रेजेंट करने के लिए, और जमील भाई। तो जमील भाई थोड़े बिजी रहते हैं क्योंकि उनका फोन पे कंटिन्यूस कारोबार शुरू रहता है, तो आप जरूर सात भाई को पूछिएगा। उसके अलावा आपका नाम तौफीक भाई, तौसीफ भाई, ठीक है। और सात भाई के बड़े भाई है सरमत भाई। तो इन हाँ, एनी वन ऑफ देम विल असिस्ट यू ओवर द ईमेल, ओवर द फोन हो जाएगा ना इंडिया वाइज कोई। हाँ, उसके अलावा अगर कुछ रहे तो आप बेशक मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं सात भाई को फॉरवर्ड कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।